Good morning students, how are you? Fine? Okay, now today we are going to start exercise 9.8. Our first sum is, this exercise is a story sums exercise. First sum is, a container of a length 30 cm, breadth 30 cm and height 50 cm is filled with oil. ठीक है, कोई कंटेनर है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है एंड हाइट 50 सेंटीमीटर है, जिसमें क्या फिल किया है उन्होंने, ऑयल फिल किया है. ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट हैज बीन फिल्ड इन इट. हमने वॉल्यूम पता करना है ऑयल का जो इसमें फिल होएगा. ठीक है, इस कंटेनर में. ओके, नाउ लेंथ ऑफ कंटेनर इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ कंटेनर इज 30 सेंटीमीटर. Then height of container is 50 centimeter. Now volume of oil. What is the volume of oil that in a container? So what we do here? Here we use the volume of cuboid formula. ठीक है? Volume of cuboid का formula लाना है. That is L multiply B multiply H. Okay? Now put the values of L. Put the value of L, B and H. Value of L is 30 centimeter. Cross. Value of B is 30 centimeter. Cross, value of H is 50 centimeter. Now multiply these. What we get? 3 is a, आपने ऐसे multiply करना. 3 is a 9, 9 5 is a 45. कितने zeros हैं देखो? 1, 2, 3. So write here 3 zeros. Okay? So answer is 45,000 centimeter cube for first question. Okay? Now second sum. Find the volume of an ice cream. ब्रिक ऑफ अ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर. हमने आइसक्रीम ब्रिक का क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ 22 है, ब्रेथ 10 है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है. तो आपने इसमें क्या करना है, पहले राइट करोगे लेंथ ऑफ आइसक्रीम ब्रिक इज दिस, ब्रेथ इज दिस, हाइट इज दिस. देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम बाय पुटिंग द फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. ओके, सिमिलरली वी हैव एज डन, यू विल सॉल्व द फर्स्ट सम. ओके, जैसे आपने फर्स्ट सम सॉल्व किया है, सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकेंड सम. डू दिस सम योर सेल्फ. नाउ थर्ड सम इज, देयर इज अ फ्लावर बेड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. फ्लावर बेड की लेंथ दी है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम क्या राइट करेंगे? लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज 80 सेंटीमीटर. ठीक है, देन वी हैव टू अगेन गिवन 40 सेंटीमीटर वाइड. 40 सेंटीमीटर वाइड मीन्स ब्रेथ दी है. ठीक है, ब्रेथ ऑफ फ्लावर बेड इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है, then we have to given 2 cm deep. Deep means height. Height of flower bed is 2 cm. Now in Shruti's garden, find the volume of soil gardener, soil the gardener dug out to make the bed. हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता करना है कि जो गार्डनर बनाएगा बेड के लिए. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल. ठीक है, बी ओ एल मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का शॉर्ट लिखा है, बी ओ एल. ठीक है, वी ओ एल मीन्स वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज, पुट द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. पुट द वैल्यू ऑफ एल 80 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बी इज 40 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ एच इज 2 सेंटीमीटर. नाउ मल्टीप्लाई इट, 8 फोर ज 32, 32 टू ज 2 ज 4 कितना आ गया 64. ठीक है, 64 पीछे कितनी जीरोस निकाल दोगे? 1 2 6400 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल. ओके, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है? 20 आइस क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, जिसमें हर एक की साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ यू विल राइट हियर साइड ऑफ आइस क्यूब, साइड ऑफ आइस क्यूब इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वन आइस क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन आइस क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब बोला है ना, आइस क्यूब है, तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ एस इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 इज 125. 125 सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ वन आइस क्यूब.
ये किसका फाइंड आउट हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वन आइस क्यूब, एक का फाइंड आउट हो गया, ठीक है, एक का वॉल्यूम कितना है 125. नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 20 आइस क्यूब्स. आपने किसका पता करना है, 20 आइस क्यूब्स का पता करना है. वॉल्यूम ऑफ VOL मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 20 आइस क्यूब्स, एक का पता है, ज्यादा का पता करना है, देन व्हाट वी डू, वी विल डू मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, कितना आएगा, व्हाट वी गेट, दिस इज आंसर फॉर अवर फोर्थ क्वेश्चन. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम. किसी रूम में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एयर का, एंड रूम हैज अ 12 मीटर लॉन्ग, मीन्स लेंथ क्या दी है 12 मीटर, 8 मीटर वाइड, वाइड मीन्स ब्रेथ दी है, ब्रेथ इज 8 मीटर, एंड 10 मीटर हाई, हाई मीन्स हाइट, हाइट ऑफ रूम इज 10 मीटर. ओके, ये आप पहले राइट करोगे, लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम, देन हाइट ऑफ रूम, देन यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, देन यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एयर. हाउ वी सॉल्व इट, बाई पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. ठीक है, ऐसे ही आपने ये सम अपने आप करना है, डू योर सेल्फ दिस सम, दैट इज फिफ्थ सम. ओके, नाउ सिक्स्थ सम इज द वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लांक. वुडन प्लांक, किसी वुडन प्लांक का ना वॉल्यूम इतना दिया है, ठीक है, 33,750 CU मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, CM मीन्स सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर. इफ क्यूबाइडल पीस इज मेजरिंग 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, अगर उसमें से क्यूबाइडल क्यूबाइडल पीस कट किए हैं उन्होंने, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर विड्थ, विड्थ मीन्स ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हाइट मीन्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, हैव टू बी कट फ्रॉम द वुडन प्लांक. उस वुडन प्लांक में से उन्होंने छोटे छोटे क्यूबाइडल बॉक्स निकाले हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, ठीक है. हाउ मैनी पीसीज ऑफ क्यूबाइड्स कैन बी कट फ्रॉम पीस, कट फ्रॉम इट, हमने बताना है कि इसमें से इस बड़े वाले वुडन प्लांक में से कितने पीस कट हुए हैं, ठीक है. नाउ फर्स्टली यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लांक, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लांक इज 33,750 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ क्यूबाइडल पीस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबाइडल पीस इज 15 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबाइडल पीस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पीस, आपने अब क्या फाइंड आउट करना है, जो क्यूबाइडल पीस कट किए हैं उनके उनमें से उनका क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है. हाउ वी फाइंड इट, बाय पुटिंग फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. पुट द वैल्यू ऑफ एल, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एल बी एच की वैल्यू पुट कर. नाउ हमने बताना है कि इस जो ये वुडन प्लांक है बड़े वाला, ठीक है, इसमें से इतने इतने वॉल्यूम के कितने पीस कट हुए हैं, ठीक है. जैसे ये बड़ा वाला है वुडन प्लांक, इसमें से कट हुए हैं पीस, ठीक है, ऐसे कट हुए हैं पीस, क्यूबॉइड शेप के हैं, सॉरी क्यूबॉइड क्यूबॉइड शेप के हैं ये, ठीक है, ये इक्वल साइज के हैं सारे जो इसमें से कट हुए हैं, ठीक है. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें कैसे पता चलेगा कि कितने पीस हैं, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, इक्वल साइज के पीसेस कट कर रहे हैं उस बड़े वाले वुडन प्लांक में से, इक्वल शेयरिंग हो रही है मीन्स डिवाइड करेंगे, ठीक है. डिवाइड किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लांक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पीस, ठीक है, जितना उसका टोटल वॉल्यूम है उसमें उसको डिवाइड करेंगे जितने पीसीज उसमें कट हो रहे हैं उनके वॉल्यूम के साथ, ठीक है. नाउ यू विल राइट है नंबर ऑफ पीसीज, नंबर ऑफ क्यूबॉइडल पीसीज, नंबर ऑफ क्यूबॉइडल पीसीज. देखो अभी इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे कटिंग करनी है तो इसकी जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, फिर हमारा इजी हो जाएगा कट करना. नाउ नंबर ऑफ क्यूबॉइडल पीसीज हाउ मेनी आर, 30. वॉल्यूम राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लांक, वॉल्यूम ऑफ
volume of cuboidal piece. ठीक है, volume of wooden plank के, wooden plank के volume को किसके साथ divide करना है? Volume of cuboidal piece के साथ. Now put the values here. Now volume of cuboidal, volume of wooden plank is, that is 33,750 divided by volume of cuboidal piece. Volume of cuboidal piece is this. इसको मैंने multiply नहीं किया, ऐसे ही रखा है. 30 multiply 15 multiply 5. Now इसको cut कर दो. 10 के साथ 10 cut होगी. ठीक है. Now इसको मैं 5 के table पे cut कर देती हूँ. इसको 5 के टेबल पे कट कर दूं, ऐसे डिवाइड करके देखूं. ओके, कितना आ गया? 5 के टेबल पे कट किया इसको, कितना आ गया? 675. ओके, नाउ अगेन इसको मैं किसके टेबल पे कट कर ली हूं? 3 के टेबल. इसको 3 के टेबल पे कट कर लूं. 675 डिवाइडेड बाय 3. 3 2 6 5. 225 कितना आ गया? 3 के टेबल पे इसको कट किया, 225 आ गया. नाउ अभी मैं इसको 15 के टेबल पे सीधा ही कट कर लूं. ठीक है, 15 और 225 बच गया. 225 डिवाइडेड बाय 15. कितना आ गया? 15 कट करके सीधा 15 के टेबल पे कट कर दिया. किसके क्या आ गया हमारे पास? 15. तो कितने वुडन प्लांक्स कट, कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं दैट आर कट? 15 पीसेस. ओके, दिस इज योर आंसर, 15 पीसेस. ओके, नाउ सेवन सम दैट इज पेंसिल बॉक्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आर प्लेसड इन वुडन बॉक्स. ठीक है, पेंसिल बॉक्स हैं, कोई किसी वुडन बैग्स में रखे हैं. ठीक है, वुडन बॉक्स में पैक किए हैं, जिनकी मेजरिंग 144 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है. ये 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये क्या है? लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, ब्रेथ ऑफ पेंसिल बॉक्स, हाइट ऑफ पेंसिल बॉक्स. और ये क्या है? 144. 144 इज अ लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स, ब्रेथ ऑफ वुडन बॉक्स, देन हाइट ऑफ वुडन बॉक्स. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पेंसिल बॉक्सेस आर पैक्ड इन द वुडन बॉक्स. हमने बताना है कि उसमें कितने पेंसिल बॉक्स रखे हैं, हाउ मैनी बताने हैं. पहले हम क्या करेंगे? दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों के वॉल्यूम को किसके साथ, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हाउ मैनी पेंसिल बॉक्सेस. ठीक है, now write down length of pencil box 20 cm, breadth of pencil box 12 cm and height of pencil box 8 cm. ठीक है, now volume of pencil box L multiply B multiply H. Now put the value of L 20 cm, B 12, B is 12 cm, H is 8 cm. Then length of wooden box is 144 cm. ठीक है, breadth of wooden box is 20 cm and height of wooden box is 10 सेंटीमीटर. नाउ अभी हमने क्या करना है? व्हाट वी राइट है? वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. पुट द वैल्यू ऑफ एल हियर. वैल्यू ऑफ एल इज 144, बी इज 20, एच इज 12. ओके, अभी हम इनके वॉल्यूम को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या करने हैं? नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने पेंसिल बॉक्स उसमें रखे हैं. तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम इसकी पूरी कटिंग नहीं करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, क्योंकि जो बड़ी चीज है उसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे. ठीक है, पेंसिल बॉक्स तो छोटे हैं, बड़े बॉक्स में ही रखे हैं ना,
जिस बॉक्स में रखे हैं उसको ऊपर राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इज 144 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, फिर कटिंग करोगे मल्टीप्लाई करोगे। एंड पेंसिल बॉक्स इज 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। नाउ इसको कट कर दो, कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, सेम के साथ सेम कैंसिल आउट। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, सेम के साथ सेम कैंसिल आउट। नाउ 8 को 144 के साथ डिवाइड कर दो ऐसे। क्या आ गया? 18 इज अवर आंसर। कितने पेंसिल बॉक्स रखे हैं? 18 पेंसिल बॉक्स, ठीक है, दैट इज आंसर। ओके, नाउ एट सम, दैट इज हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ अ साइड 3 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग 18 मीटर 12 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। कि इतनी मेजरिंग का क्यूबॉइड है, मीन्स इतनी लेंथ है क्यूबॉइड की, इतनी ब्रेथ है, इतनी हाइट है, ठीक है। इसमें से क्या कट किए हैं उन्होंने? 3 मीटर के क्यूब्स कट किए हैं, जिसकी साइड क्या है? 3 मीटर है, वो क्यूब कट किए हैं। और हमने बताना है कि हाउ मैनी मीन्स हमने बताना है कि कितने क्यूब्स कट हुए हैं। जब हमने हाउ मैनी बताना है कि तो दोनों के वॉल्यूम को क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब इज 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई साइड। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाना है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बट वी गेट 3 3 9 9 3 27। 20 सेंटीमीटर क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो उसमें से कट हुए हैं। नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू 18 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर एंड हाइट इज 9 मीटर, ठीक है। ये आपने लिखना है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, राइट द फॉर्मूला। देन पुट द वैल्यूज 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ क्यूब्स, कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स कट हुए हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने कट हुए हैं? हाउ वी फाइंड इट? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9 ओवर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, उसको भी मैंने मल्टीप्लाई, चाहे आप इधर ना मल्टीप्लाई करो ही ना मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कैंसिल ही करना है, भूल गई। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि कटिंग ईजी हो जाती है, अगर कर लोगे तो भी कोई बात नहीं। नाउ 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 4 12, 3 1 3 3 6 18, ठीक है। नाउ कैंसिल करो, अभी करो 6 4 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बट वी गेट 72 क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके, दिस इज आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। नाउ 9th सम, रेक्टेंगुलर वॉल 27 मीटर लॉन्ग, कोई रेक्टेंगुलर वॉल है जो 27 मीटर लॉन्ग है, मीन्स लेंथ दी है वॉल की, एंड 60 सेंटीमीटर थिक। अभी ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमने यहाँ पे यूनिट सेम बनाने हैं, ठीक है। 60 सेंटीमीटर थिक मीन्स ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर, 4 मीटर हाई मीन्स हाइट इज 4 मीटर। इफ क्यूब शेप्ड ब्रिक्स ऑफ अ साइड 30 सेंटीमीटर ईच आर यूज, अगर 30 सेंटीमीटर साइड है जिसकी क्यूब ब्रिक्स की, वो इसको बनाने के लिए यूज हो रही हैं, इस वॉल को बनाने के लिए, देन हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल, देन कितनी ब्रिक्स चाहिए इस वॉल को बनाने के लिए, ठीक है। हाउ वी राइट इट? लेंथ ऑफ वॉल इज 27 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ वॉल इज 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ वॉल इज 4 मीटर, देन वॉल्यूम ऑफ वॉल इज, फर्स्टली हमने पता है क्या करना है, इसको ना एक यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे सब में ना मीटर लिखा है, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, सबका यूनिट सेम करेंगे,
मैं सबको किसमें कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि उसमें से जो क्यूब कट की है वो भी सेंटीमीटर में कट की है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो एज यू विश। ओके, नाउ 27 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 27 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 2700 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे देन मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो सेंटीमीटर में है ही ऑलरेडी, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉल इज एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ एल, एल इज 2700, बी इज 60, एच इज 400, ठीक है। नाउ अभी हमने हाउ मैनी पता करने है, मीन्स हमने वॉल्यूम को डिवाइड करना है दो वॉल्यूम्स को, ठीक है, तो हम मैंने इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं कर रही, यहीं पे छोड़ रही हूँ। नाउ साइड ऑफ क्यूब इज 30 सेंटीमीटर, उस जो क्यूब ब्रिक लिख लिया, क्यूब ब्रिक है ना जो, उसकी साइड दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, जो इस वॉल को बनाने के लिए लग रही है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ब्रिक इज, विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, पुट द वैल्यू ऑफ एस, द एस इज 30 सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ क्यूब ब्रिक्स दैट आर यूज टू मेक अ वॉल, नंबर ऑफ क्यूब ब्रिक्स दैट आर यूज टू मेक अ वॉल इज वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ब्रिक। ओके, नाउ अभी दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करें, पुट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज दिस वन, 2700 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब ब्रिक इज 30 मल्टीप्लाई बाय 30। नाउ कैंसिल आउट करो, एक जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, नाउ कैंसिल आउट, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3, इसके साथ अगर डिवाइड करोगे 2700 को तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9, पीछे 2 0s है, 2 0s रहेंगे, फिर इस 3 को इस 900 के साथ कट करो क्या आ जाएगा, 300, आप ऐसे डिवाइड करके देखो, ठीक है। नाउ वी लेफ्ट विद 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, एक 4 भी बच गया पीछे, 600 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 2400 ब्रिक्स आर यूज टू मेक अ वॉल, दैट इज आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। ओके,